नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाएंगे, उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी का दो दिवसीय बलरामपुर दौरा, ब्रह्मलीन महेंद्रनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। राजधानी लखनऊ की हवा हुई जहरीली, एयर क्वालिटी इंडेक्स 363, दिल्ली नोएडा से ज्यादा जहरीली हुई राजधानी की हवा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा में सेना चला रही सर्च ऑपरेशन। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुरानी पेंशन बहाली सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने दो दिन की हड़ताल का आह्वान कर दिया, जिसके चलते गुरुवार और शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सहित तीनों तहसीलों में कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो इससे बड़ा आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। इस दौरान कलेक्ट्रेट और तहसील में कार्य कराने आए लोग खासे परेशान भी नजर आए। सर, हमसे बात करने के लिए हमारे संवाददाता अभिलाष वाजपेयी हमसे जुड़ चुके हैं। जी अभिलाष, जानना चाहूंगी क्या कुछ वजह है इस पूरे धरने को लेकर, क्या कुछ बताएंगे आप? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ है जिसकी 13 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल का आह्वान किया है। और आपको बता दें कि यह हड़ताल दो दिन चलेगी, आज और कल। दो दिन तक जो तीन तहसील है और कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका ऐसा कहना है कि जब तक उनकी ये मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो इसी तरह से लगातार आंदोलन करते रहेंगे। अभी तक तो ये दो दिन की हड़ताल है, लेकिन आगे अगर इसी तरह से मांगे नहीं मानी गई तो वो इससे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है और क्या कुछ उनकी आगे की योजना है, उन्होंने कहा है किस तरह से उनकी क्या स्ट्रेटेजी है जिसको लेकर के वो अपनी मांगों को मनवाना चाहेंगे? जी देखिए, अभी तक उन्होंने सिर्फ कार्य बहिष्कार तक ही कहा है कि अभी तक वो सिर्फ कार्य बहिष्कार करके जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी मांगे ये हैं और उनको मानना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत दिक्कतें आ रही उनको, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली की मांग है जिससे कि उनका कहना है कि रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को दिक्कत होती है कि पुरानी पेंशन जो है उनकी खत्म कर दी गई है, उसकी बहाली की मांग है। इसी तरह से 12 अन्य मांगे हैं, तो कुल मिलाकर 13 मांगे हैं जिनको लेकर उनका कहना है कि ये आंदोलन किया जा रहा है। और अगर ये नहीं मानी गई तो उनका कहना है कि वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे या फिर विधानसभा का घेराव करेंगे। तो इस तरह से कई उनकी आगे की रणनीतियां हैं जिस पर वो काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जहां कलेक्ट्रेट और तीनों तहसीलों में कार्य ठप है और 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना दिया जा रहा है और उनका कहना है कि पेंशन बहाली की जाए और इसी तरह की कई मांगे हैं जिन्हें वो जायज मान रहे हैं और उसको लेकर के धरना दे रहे हैं। हम लोग की 13 सूत्री मांगे हैं, सुख क्रांति नेतृत्व के आह्वान पर पुरानी पेंशन और 13 सूत्री मांगे हमारी लंबे समय से लंबी चल रही हैं, जिसके संबंध में आज और कल दो दिन का हम लोग कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है। इस वजह से हम लोग ये मांगे शासन नहीं मान रहा है, इस कारण हम लोग को दो दिवस का वहाँ दर्शन करने के बाद होने पड़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहाँ कलेक्ट्रेट समेत तीनों तहसीलों में आज और कल हड़ताल है। बड़ी खबर कानपुर से, नहर में युवक का तैरता मिला शव और तैरता शव मिलने से मच गया हड़कंप। कानपुर से बड़ी खबर, नहर में युवक का तैरता मिला शव। सूचना पर गोताखोरों ने शव को नहर से बाहर निकाला।
शव की नहीं हो पाई अभी तक शिनाख्त। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी सी ब्लॉक की एक घटना जहां नहर में एक युवक का उतराता हुआ शव मिला और शव के मिलने से हड़कंप मच गया। कानपुर से बड़ी खबर, नहर में उतराता मिला युवक का शव, शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर गोताखोरों ने शव को नहर से बाहर निकाला, नहर शव की नहीं हो पाई है अभी तक शिनाख्त। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के गुजैनी सी ब्लॉक की एक घटना है जहां नहर में युवक का उतराता मिला शव। सूचना पर गोताखोरों ने शव को नहर से बाहर निकाला, शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के गुजैनी सी ब्लॉक की एक घटना जहां नहर में उतराता मिला एक युवक का शव। और इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक मिश्रा हमसे जुड़ चुके हैं। जी दीपक, जानना चाहूंगी क्या कुछ है ये पूरा मामला। जी आपको बता दूं, एक युवक का शव जो है वो नहर में तैरता हुआ मिला है, जिससे जो है इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल आपको बता दूं पूरा मामला जो है वो गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी सी ब्लॉक का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक का शव तैरता हुआ हड़कंप मच गया। आपको बता दूं फिलहाल युवक की जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस जो है कुछ में लगी हुई है कि किसी तरीके से युवक की शिनाख्त हो जाए, लेकिन अभी तक जो है युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ किस उम्र रही होगी युवक की और किस तरह के कपड़े पहने हैं उसने। जी आपको बता दूं अधेड़ उम्र का युवक जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी उसके ना ही उसके कपड़ों से कुछ शिनाख्त हो पाई है, ना ही उसकी जेब में ऐसा कुछ मिला है जिससे युवक की शिनाख्त हो पाए। आस पास से पुलिस जो है पूछताछ करके किसी प्रकार से युवक की शिनाख्त करने की कोशिश में लगी हुई है। सिर्फ आपको बता दूं उसके जो पॉकेट है उससे 800-900 रुपए मिले हैं, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे युवक की शिनाख्त की जा सके। तो पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही है युवक की शिनाख्त करने में। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस पूछताछ करके शिनाख्त करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, आगे क्या कुछ प्रयास कर रही है पुलिस शव की शिनाख्त को लेकर। जी आपको बता दो फिलहाल पुलिस ने शव को जो है नहर से बाहर निकाल लिया है और उसको पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस जो है किसी तरीके से पूरा प्रयास कर रही है, पर्चे वर्चे छपवा करके जो है उसको चस्पा करवा रही है, तो किसी प्रकार से युवक की शिनाख्त करने की कोशिश जो है पुलिस कर रही है। जी जिस तरह से युवक के नहर में डूबने का मामला ये सामने आया है, क्या कुछ लगता है कि आत्महत्या का प्रयास या फिर किसी तरह की चोट या मारपीट की किसी तरह की घटना कुछ समझ में आया इस तरह क्या पुलिस को? जी अगर बात की जाए पुलिस की तो प्रथम दृष्टांतया जो है किसी प्रकार की चोट के निशान वगैरह नहीं मिले हैं। युवक का बताया जा रहा है बीते दिन का शव है, एक दिन पुराना शव बताया जा रहा है, लेकिन अब इस किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिसके कारण पुलिस जो है इस पूरे मामले को आत्महत्या की दृष्टि से देख रही है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार क्या वजह है युवक की मौत की। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से दे रहे थे, जहां नहर में एक युवक का उतराता हुआ शव मिला, जिसके मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना पर गोताखोरों ने शव को नहर से बाहर निकाल लिया, लेकिन शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी सी ब्लॉक की एक घटना। और इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुक्का बार पर नकेल कसने के सख्त आदेश दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद कानपुर में लाउंज संचालक हुक्का बार चला रहे हैं। खाद्य विभाग के छापे में पता चला कि कानपुर में नाबालिग बच्चों को हुक्के की लत लगाई जा रही है। ट्री हाउस कैफे के बाद बुधवार को खाद्य विभाग ने स्वरूप नगर स्थित हिडन लाउंज में छापा मारा। यहां पर 2 दर्जन के करीब लड़के लड़कियां हुक्का पीते मिले। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें से आधा दर्जन बच्चे नाबालिग थे। खाद्य विभाग की टीम ने यहां पर मिले 15 से ज्यादा हुक्कों को नष्ट किया और सभी के चालान काट 15,200 रुपए का जुर्माना वसूला। खाद्य विभाग की टीम ने यहां से पनीर का सैंपल भी लिया। जिस तरह से हुक्का लगातार हुक्का बार के छापों में नाबालिग बच्चे हुक्का पी रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कानपुर अब पंजाब की तर्ज पर उड़ता कानपुर बनता जा रहा है। में
ये छापा मारा गया है। पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कि हिडन लाउंज नाम से थाना स्वरूपनगर के अंतर्गत ये हुक्काबार चल रहा है, तो हमारी टीम ने यहाँ पर छापा मारा हमारे साथी एफएसओस के साथ, और जहाँ पर 13 लोग हुक्का पीते हुए पाए गए, जिसमें 4 लड़कियाँ और 2 लड़के अवयस्क हैं। इसके अलावा तमाम हुक्के से संबंधित तमाम सामग्री सैकड़ों की तादाद में, यहाँ पर तंबाकू के भरे हुए पैकेट, तो मसाला जो होता है वो, और हुक्के और अन्य सामग्री जो आपत्तिजनक मिली गई। फतेहपुर जनपद के बिनकी कस्बा के मंडी समिति परिसर में स्थित एफको सेवा केंद्र में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही थी। इस खबर को जेएमडी न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद 105 टन यानी कि 2100 बोरी डीएपी खाद आई जो किसानों को मिली। खाद मिलने के बाद किसानों ने जेएमडी न्यूज को धन्यवाद भी दिया था, लेकिन फिर डीएपी खाद खत्म हुए 1 सप्ताह हो गए, लेकिन डीएपी खाद नहीं आ पा रही है, जिससे किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। बांट चुका हूँ, बुधवार को बांटा था, बुधवार एक हफ्ता लगभग हो गया है। 1450 का रेट आया तो बांटा हमने 2100 बोरी, और 10-15 दिन में आने की फिर संभावना है। तो इतना लंबा समय, जबकि इसमें गेहूं की बुआई का समय है और नहीं मिल पा रही, तो कैसे? जिले में ही खाद उपलब्ध नहीं, एक रैक आई बीत गई, अब जब रैक आने वाली है 10-15 दिनों में उपलब्ध हो जाएगा, फिर दिया जाएगा किसानों को। उन्नाव पीडी नगर स्थित सेंट लॉरेंस स्कूल में परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटना के कारण और निवारण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर जिले के 84 विद्यालयों के बच्चों ने सहभागिता की। इस मौके पर निर्णायक मंडल के रूप में मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह, मनोज कुमार वर्मा, ARTO डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर, अशोक कुमार वर्मा समेत 7 लोगों की टीम ने सेंट लॉरेंस स्कूल से दिव्या शुक्ला, लखनऊ पब्लिक स्कूल से अंजलि यादव और शेखर मिश्रा को प्रथम, द्वितीय व तृतीय रूप में चयनित कर पुरस्कृत किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी दिया गया। प्रवन मंत्री जी और प्रदेश शासन के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे यहाँ एक सड़क दुर्घटना के कारण और निवारण के उपाय पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 42 बच्चों ने भाग लिया है और तथा 85 मतलब 85 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, और अभी लड़ाक मंडल के द्वारा अभी रेड को तैयार किया जा रहा है, और इसमें प्रथम प्राइज 21,000 रुपये का है, दूसरा 7,000 का है, नहीं दूसरा 11,000 का और तीसरा 7,000 का रखा गया है। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। आपको बता दें कि पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के जयसवाल टावर के पास का है, जहां के निवासी मुकेश वाल्मीकि नगर पालिका में संविदा में काम करते थे, लेकिन अचानक मुकेश और उनकी पत्नी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर पर कोई नहीं था, परिजनों ने घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुटी हुई है। स्थानीय सूचना दी गई है, मुकेश और उनके पिता द्वारा सूचना दी गई, ये लोग सफाई कर्मी हैं, पति पत्नी दोनों के द्वारा आत्महत्या की बात बताई जा रही है, छानबीन उसकी की जा रही है, फिल्म भी आ गई है, अनुवैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप।
पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ JMD न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और उसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन TV Plus डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड TV। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन TV Plus, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरखाबाद के दौरे पर पहुंचे जेल राज्य मंत्री जयप्रकाश सिंह उर्फ जैकी ने विरोधियों पर अपना निशाना साधा और अपना दल के जिलाध्यक्ष के आवास पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के रायबरेली की जेल की घटना का वीडियो जो वायरल हुआ है, उस पर जितने अधिकारी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें 5 लोगों को निलंबित किया गया और जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उस पर भी कड़ी कार्यवाही होगी। वहीं जेलों की व्यवस्था पर कहा कि पहले सरकार में व्यवस्था बद से बदतर थी, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर और ठीक हो गए हैं। हमारी सरकार ने अधिकारियों को बर्खास्त करने तक की कार्यवाही की है और आगे भी कड़ी कार्यवाही होगी। देखिए, रायबरेली की घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर जितने अधिकारी दोषी हैं, जेल अधीक्षक से लेकर जेल वार्डन तक 5 लोगों को निलंबित करके जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी अधिकारी लगे हैं, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। जो भी व्यक्ति प्रथम दृष्टया तो जितने लोग दोषी मिले उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा भी अगर उसमें कोई भी व्यक्ति संलिप्त होगा उस पर कार्रवाई होगी।
इधर फरखाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात लिपिक योगेंद्र सिंह द्वारा घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो गया, जिसमें रिश्वत की वह किसी शस्त्र लाइसेंस आवेदनकर्ता से नजारत कराने के नाम पर खुलेआम पैसे ले रहा था। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीएम मोनिका रानी ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लिपिक योगेंद्र अपनी जेब में कुछ धनराशि रखते हुए दिखाई दिए थे, जिस पर कर्मचारी को निलंबित करते हुए जांच कमेटी गठित की गई है। उसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक योगेंद्र नाम के जो लिपिक हैं तो वो अपनी जेब में कुछ धनराशि लेते हुए दिखाई देते रहे। तो प्रथम दृष्टा वो वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें प्रथम दृष्टा उनको निलंबित कर दिया गया और उसमें जांच अधिकारी जो है वो नामित कर दिए गए हैं, जो इस विषय में पूरी जाँच पड़ताल करके अवगत कराएंगे। जैसे ही मामला संज्ञान में है उन्हें तुरंत निलंबित। किस विभाग में किस पद पर तैनात थे? ये जो है शस्त्र विभाग शस्त्र लिपिक वाले कार्यालय में तैनात। और इसी बीच बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां राम जन्मभूमि से चलकर तपोभूमि पहुंची है भारत यात्रा। बड़ी खबर चित्रकूट से, राम जन्मभूमि से चलकर तपोभूमि चित्रकूट पहुंची भारत यात्रा। परिक्रमा मार्ग से स्थित भरत मिलाप मंदिर में हुआ प्रभु राम से मिलन। प्रभु राम और भरत का मिलाप देख भाव विभोर हो गए भक्त। 46 सालों से चली आ रही है ये परंपरा। बड़ी खबर चित्रकूट से, राम जन्मभूमि से चलकर तपोभूमि पहुंची भरत यात्रा। परिक्रमा मार्ग से स्थित भरत मिलाप मंदिर में हुआ प्रभु राम से मिलन। प्रभु राम और भरत का मिलाप देख भाव विभोर हुए भक्त। 46 सालों से चली आ रही है परंपरा। बड़ी खबर चित्रकूट से, राम जन्मभूमि से चलकर तपोभूमि चित्रकूट पहुंची भारत यात्रा। परिक्रमा मार्ग से स्थित भरत मिलाप मंदिर में हुआ प्रभु राम से मिलन। छियालीस सालों से चली आ रही है परंपरा। प्रभु राम और भरत का मिलाप देखकर भाव विभोर हो गए भक्त। चित्रकूट से बड़ी खबर, राम जन्मभूमि से चलकर तपोभूमि चित्रकूट पहुंची भारत यात्रा। परिक्रमा मार्ग से स्थित भरत मिलाप मंदिर में हुआ प्रभु राम से मिलन। और प्रभु राम और भरत का मिलाप देखकर भक्त पूरी तरह भाव विभोर हो गए। आपको बता दें कि 46 सालों से चली आ रही है ये परंपरा। बड़ी खबर चित्रकूट से, राम जन्मभूमि से चलकर तपोभूमि चित्रकूट पहुंची भारत यात्रा। परिक्रमा मार्ग से स्थित भरत मिलाप मंदिर में हुआ प्रभु राम से मिलन। प्रभु राम और भरत का मिलाप देख भाव विभोर हो गए भक्त। 46 सालों से चली आ रही है ये परंपरा। और इस खबर पर हमसे बात करने के लिए हमारे संवाददाता रतन पटेल हमसे जुड़ चुके हैं। जी रतन, जाना चाहूंगी जिस तरह से ये भारत यात्रा पहुंच चुकी है और पूरी तरह से भक्त भाव विभोर हुए हैं, पूरी तरह से उनकी सहभागिता दिख रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास हमें देने के लिए इस खबर पर? जी आपको बता दें कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से जो है चित्रकूट भारत यात्रा पहुंची है। यहाँ पर चित्रकूट पहुंचने पर जो है यहाँ के साधु संतों ने जो है भारत यात्रा का जो है फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। और जो है यहाँ कामगिरी परिक्रमा मार्ग में जो है भरत विलास मंदिर है, यहाँ पर जो है त्रेता युग की तरह जो है भगवान राम जो है राम मंदिर में विराजमान रहते हैं। और जो है राजकुमार भरत माता कैकेयी और जो है कौशिक। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरी तरह से भक्त भाव विभोर दिखाए जा रहे हैं, किस तरह से इस पूरे कार्यकलाप को अंजाम दिया जाता है जरा बताएं। और ये जो भरत मिलाप का जो दृश्य होता है इसको देख कर जो है लोगों की जो है आंखों में आंसू निकल आते हैं। इतना वो दृश्य होता है हृदय विदारक दृश्य देख कर जो है लोग श्रद्धालु में जो है बिल्कुल आस्था में जो है बिल्कुल डूब जाते हैं। और जो है यहाँ जो है कमल नयनदास जो है अयोध्या के जो महंत है उनके नेतृत्व में यहाँ पर साधु संतों के साथ यात्रा आई हुई है। जी जाना चाहूंगी करीब कितनी संख्या में भक्त पहुंचे होंगे इस कार्यक्रम को लेकर? जी आपको बता दें करीब 1000 के आसपास जो है संत यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। संत हैं और
जो श्रद्धालु वहाँ वहाँ मंदिर में इकट्ठा रहे हैं, और इन्होंने जो है भगवान कामगिर की पूजा भी की है। इसके बाद जो है जो पंच कोसी परिक्रमा है कामगिरी की, वो भी सारे साधु संतों ने जो है लगाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको चित्रकूट से दे रहे थे, जहां राम जन्मभूमि से चलकर तपोभूमि पहुंची है भरत यात्रा। आपको बता दें परिक्रमा मार्ग से स्थित भरत मिलाप मंदिर में हुआ प्रभु राम से मिलन, और प्रभु राम और भरत का मिलाप देखकर भक्त पूरी तरह भाव विभोर हो गए। आपको बता दें कि 46 सालों से चली आ रही है ये परंपरा। और इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।